नमस्कार दोस्तों, सुषमा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं जीरे वाले बिस्किट, जो बहुत ही आसानी से घर में बन जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। आज हम उन्हें प्रेशर कुकर में बनाएंगे। इससे पहले हम आपको रेसिपी बताएं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए मैं आपको सामान बता देती हूँ। मैंने 100 ग्राम आटा लिया है, 50 ग्राम बेसन लिया है, 25 ग्राम सूजी लिया है, आधा कप दूध लिया है, 100 ग्राम पिसी हुई चीनी ली है, आधा चम्मच नमक लिया है, एक चम्मच भुना हुआ जीरा, 50 ग्राम बटर जो रूम टेम्परेचर पर रखा है मैंने, और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। तो चलिए बनाते हैं। देखिए मैंने एक बाउल लिया है, इसमें अपना बटर डालेंगे, हम चीनी डाल देंगे, और इसे मिक्स करेंगे विक्स की सहायता से। आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से फेंटना है हमें इसे, चिकना करना है। देखिए मैंने इसे चिकना कर लिया है, अब विक्स हटा देंगे हम। अब इसमें अपना आटा डालेंगे, बेसन डालेंगे, सूजी डालेंगे, नमक, बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें, ये देखिए ऐसे। अब इसमें दूध डाल के एक डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालना है हमें। देखिए ऐसे। थोड़ा सा और दूध डालेंगे। डो तैयार कर लेंगे इसका। देखिए मैंने डो तैयार कर लिया है, और डो तैयार करने में मुझे छोटे कप से भी आधा दूध लगा है। अब हम क्या करेंगे, इडली स्टैंड लेंगे और उसे घी या बटर से चिकना कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे चिकना करेंगे। अब हमें क्या करना है, हाथ में हम थोड़ा सा बटर या घी लगाएंगे। देखिए ऐसे, और लोई लेंगे थोड़ी थोड़ी सी, ऐसे गोल करेंगे। देखिए ऐसे, और हल्का सा दबा देंगे अंदर की साइड, और इस पे जीरा लगा देंगे, और थोड़ा उसको भी दबा देंगे। देखिए ऐसे, एक और बना लेते हैं। और इसी तरह से हम अपने सारे बिस्किट तैयार करेंगे बना के। देखिए मैंने सारे बिस्किट बना के तैयार कर लिए हैं, अब इनको हम स्टैंड करेंगे। देखिए मैंने स्टैंड कर लिया है, अब आगे क्या करना है चलिए देखते हैं। मैंने एक प्रेशर कुकर रखा है, जिसको पहले से ही मैंने प्री हीट कर लिया है, जैसे हम अवन को करते हैं। देखिए इसमें मैंने सीटी नहीं लगाई है, ढक्कन हटा लेते हैं, देखते हैं। देखिए मैंने नमक फैला रखा है चारों तरफ, और एक स्टैंड रखा हुआ है। अब इसमें हम अपने बिस्किट रखेंगे। गैस को धीमा कर देंगे और इसको ढक्कन लगा के पकाएंगे 25 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। 25 मिनट हो गया है, अब हम चेक करते हैं। देखिए मेरे को थोड़े बिस्किट अभी कच्चे लग रहे हैं, चेक करके देखते हैं थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, इसको 15 मिनट के लिए हम और ढक के पकाएंगे धीमी आंच पे, और फिर हम चेक करेंगे।
देखिए 15 मिनट हो गए हैं, अब चेक कर लेते हैं अपने बिस्किट को। देखिए कलर चेंज हो गया है बिस्किट का। गैस बंद करेंगे और निकाल लेंगे हम अपने सारे बिस्किट्स को और ठंडा कर लेंगे। देखिए मैंने बिस्किट ठंडा कर लिया है, अब हम इनको प्लेट करेंगे। देखिए मैंने प्लेट कर लिया है, सारे बिस्किट कितने अच्छे लग रहे हैं, कलर भी अच्छा आया है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।